शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पाम ऑयल से। इसको हम एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से रिलेट करके देख सकते हैं और देख सकते हैं हमारे जियोग्राफी वाले सिलेबस से। तो पाम ऑयल के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। यदि हम वर्तमान समय में देखें ना, तो पाम ऑयल जो है वर्ल्ड का मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है। विश्व में सबसे ज़्यादा खपत यदि किसी वेजिटेबल ऑयल की होती है तो वो है पाम ऑयल। इसका प्रयोग हम करते हैं डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में, प्लास्टिक बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में और बायोफ्यूल्स के निर्माण में। यदि हम बात करें कंट्री वाइज, तो टॉप कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी आर इंडिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली ये देश हैं। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देख लेते हैं क्या बात कही गई है। ऑयल पाम प्लान इज़ ए रेसिपी फॉर डिजास्टर। ऑयल पाम का जो पाम ऑयल की जो प्लानिंग हम कर रहे हैं कि इसका प्लांटेशन हम अपने देश में करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा निर्यात आयात पर डिपेंडेंट हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश में ही इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो यदि हम उसको यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक प्रकार से हम डिजास्टर को जन्म दे रहे हैं। वो डिजास्टर कैसा है? हमारे देश की जो जमीन है, जो जगह है, वहाँ पर जो देसी जो जातियाँ उगती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे झाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को काटना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है पाम ऑयल का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने कंसर्न को राइज किया है ये वाले प्रपोजल पर। तो ये क्या काम करने वाले हैं? वाइड स्प्रीड डिस्ट्रक्शन होने वाला है रेन फॉरेस्ट का। इसके अलावा जो हमारी नेटिव बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ऑयल पाम प्लांटेशन करना है साउथ ईस्ट एशिया में। तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट और जो पॉलिटिशियन हैं वो वार्न कर रहे हैं केंद्र की सरकार को, ठीक है, कि आप जो है ऐसा कोई कदम मत उठाइए, क्योंकि सरकार जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है ना, यहाँ पर इनका प्लांटेशन करने जा रही है। दूसरा कंसर्न ये है, जिसमें इंक्लूड है इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ ट्राइबल लैंड्स, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती दूसरी, किसकी? कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ ट्राइबल्स लैंड, जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, जनजाति लोग रहते हैं, वो उनकी जमीन है समझ लो, उसकी ओनरशिप की फिर बात आ जाती है। एज वेल एज द फैक्ट दैट द ऑयल पाम इज ए वाटर गजलिंग मोनोकल्चर क्रॉप विथ ए लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड अनसुटेबल फॉर स्मॉल फार्मर्स। इसके अलावा हम बात करें हैं आदिवासियों के ज़मीन की मालिकाना हक को लेकर के। इसके अलावा समस्या है कि भाई पानी भी तो चाहिए ना, यदि हम किसी भी पेड़ को लगा रहे हैं तो उसमें पानी चाहिए। अलग अलग फसल अलग अलग पानी की डिमांड करता है, जैसे कि धान जो है ज़्यादा पानी की खपत करती है। तो यहाँ पर पानी की मात्रा भी ज़्यादा जाना है। इसके अलावा मोनोकल्चर क्रॉप है ये, लंबे समय तक इसको पकने में टाइम लगता है। फिर ये स्मॉल फार्मर जब तक क्या करेंगे, एक साल में वो दो फसल ले रहे हैं और यहाँ पर वो एक ही फसल ले पाएंगे, इसी के चलते चलते सबसे ज़्यादा नुकसान होने हैं स्मॉल फार्मर। फिर भी द गवर्नमेंट कह रही है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी फॉर पाम ऑयल इज़ हायर देन दैट फॉर ऑयल सीड। सरकार कह रही है इसकी प्रोडक्टिविटी हमारी ज़मीन की तो बहुत ज़्यादा है। विथ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर गिविंग एन एश्योरेंस दैट द लैंड आइडेंटिफाइड फॉर ऑयल पाम प्लांटेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज ऑलरेडी क्लियर फॉर कल्टिवेशन
इनका कहना है कि हमने जगह भी देख लिए हैं कि कहाँ पर हम प्लांटेशन करने वाले हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को कुछ पत्र लिखे गए हैं। इन ए लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट वीक सून आफ्टर द लॉन्च ऑफ 11,040 करोड़ नेशनल मिशन ऑन एडेबल ऑयल पाम NMEO OP, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है, ये योजना हमें ध्यान में रखना है। मेघालय के जो MP हैं, ठीक है, अगथा संगमा, इन्होंने वार्निंग दिया था दैट द फोकस एरिया वर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इकोलॉजिकल फ्रेगाइल एंड ऑयल पाम प्लांटेशन वुड डेंडू फॉरेस्ट कवर एंड डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। तो हमारी बायोडायवर्सिटी खतरे में है, इसके अलावा जो इकोलॉजी है हमारी वो भी खतरे में पड़ेगी, और जो हमारे हैबिटेट हैं जहाँ पर नेचुरली रूप में जंगली जानवर रहते हैं वो भी प्रभावित होंगे, उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होगी। इट कुड ऑल्सो डिटैच ट्राइब्स पीपल फ्रॉम देयर आइडेंटिटी लिंक्ड विथ द कमिटी ऑनरशिप ऑफ द लैंड एंड रेक हैवॉक ऑन द सोशल फैब्रिक, ऐसा कहना है नेशनल पीपुल्स पार्टी लीडर का। अब हम बात कर रहे हैं विभाव तालुकदार, ए बायोलॉजिस्ट हु हेड द गुवाहाटी बेस्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन अरण्यक, ठीक है, इन्होंने क्या एडवाइस किया। इनका कहना है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वेसिव स्पीसीज है, आक्रामक, एकदम तेज़ी के साथ में, जैसे किसी को कहीं घास नहीं उग जाती क्या फसल के बीच में, तेज़ी के साथ में। इट इज़ नॉट ए नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जहाँ पर आप लगा रहे हो वो वहाँ लोकली नहीं लगाया जाता है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज ऑन सॉइल कंडीशन हैज़ टू बी एनालाइज्ड इवन इफ इट इज़ ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया। एनी काइंड ऑफ मोनोकल्चर प्लांटेशन इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ऐसा पर्यावरण के जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है। तो ना केवल पॉलिटिक्स, इसके अलावा जो एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने भी कंसर्न जाहिर किया है पाम ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर के। और कुछ कुछ बातें हैं जो कि हम श्रीलंका से सीख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इट शेयर्स सिमिलरली सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक बात तो ज़रूर है कि इसके लिए जैसी जलवायु की ज़रूरत है वो तो हमारे पास है। श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, श्रीलंका हैज़ रिसेंटली डिसवाउड ऑयल पाम, इसने जो है इसके प्रोडक्शन के लिए जो है मना कर दिया था। विथ ए मई अनाउंसमेंट टू रेज एग्जिस्टिंग प्लांटेशन एंड बैन पाम ऑयल इम्पोर्ट एज द क्रॉप हैज़ रिप्लेस्ड मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्लांटेशन क्रॉप, ड्राइड अप लोकल स्ट्रीम्स एंड शोड साइन ऑफ बिकमिंग एन इन्वासिव स्पीसीज थ्रेटिंग नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पर फिर से इसके बारे में कुछ कुछ जो पॉइंट है वो बताए गए हैं, जैसे कि जो लोकल जो नदियाँ हैं वहाँ की बहने वाली, पूरा पानी आपको वहीं पर प्लांटेशन में लगा दिया जाना पड़ा। इसके अलावा कुछ ऐसे साइंस हमको देखने को मिला जो कि एक प्रकार से ये इस इन्वेसिव के रूप में, इन्वेसिव स्पेस के रूप में सामने आई, एकदम से तेज़ी के साथ में ग्रो करना, और जब ये ग्रो कर जाएगी तो फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारे देसी पौधे हैं उनको थ्रेट है, इसके साथ साथ में एनिमल्स भी जो है हमारे देसी घास या देसी पेड़ पौधे झाड़ियाँ खा रहे हैं तो अब उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी खाने को। इस प्रकार से जो हमारे एनिमल हैं वो भी कहीं प्रभावित होते हैं। यदि हम बात कर लें अपने इंडिया की ही, आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, इन आंध्रा विच करेंटली ग्रोज मोर देन 90% ऑफ इंडियाज़ पाम ऑयल,
इंडिया का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा ऑयल पाम का कौन प्रोडक्शन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। ये जो फार्मर हैं डिपेंडेड हैं किस पर? बोरवेल इरिगेशन पर। ठीक है, बोर खुदवाते हैं अपने खेतों में और सिंचाई करते हैं इन पेड़ पौधों की। जी वी रामानुजनेयुलू, एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हु हेड द हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनका कहना है कि ऑयल पाम रिक्वायर 300 लीटर ऑफ वाटर पर ट्री पर डे। एक पेड़ को 300 लीटर प्रतिदिन पानी चाहिए, एज वेल एज हाई पेस्टिसाइड यूज़ भी करना पड़ेगा आपको, कीटनाशक छिड़कना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश की फसल नहीं है, ये विदेशी फसल है। लीडिंग टू कंज्यूमर हेल्थ कंसर्न एज वेल, इससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। द हाई लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द लॉन्ग वेट फॉर हाई रिटर्न टेंड टू अट्रैक्ट लार्ज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। छोटे मोटे किसानों का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं बचा है। हाई लेवल का इन्वेस्टमेंट और जो लॉन्ग वेट फॉर हाई रिटर्न, एक तो ज़्यादा रुपया लगाना है और ज़्यादा समय तक इंतज़ार भी करना है, ऐसा तो केवल ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ कर सकती हैं, छोटे किसान ऐसा कहाँ कर सकते हैं। उनको तो अपना खाना खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, इतना लंबा समय तक वो कैसे वेट कर लेंगे। तो इसमें रिक्वायरमेंट हैवी गवर्नमेंट सपोर्ट की। इफ सिमिलर सब्सिडीज एंड सपोर्ट आर एक्सटेंडेड टू ऑयल सीड्स विच आर इंडिजीनियस टू इंडिया एंड सूटेड फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, दे कैन हेल्प अचीव सेल्फ रिलायंस विथआउट डिपेंडेंस ऑन ऑयल पाम। अब सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है, और भी ऐसी तिलहन कुछ फसलें हैं जिनके प्रोडक्शन में को यदि सरकार बढ़ावा दे सकती है तो इससे तो कहीं अच्छा कदम है ये। ठीक है, क्योंकि इनको एक तो हमें ये कंडीशन भी देखना है कि हम ड्राई वाली ज़मीन पर भी हम इनको उगा सकें, तो ऐसे हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो नीति आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, नीति आयोग का क्या कहना है ताकि इन्वेस्टमेंट हमारे देश में और भी ज़्यादा हो सके। तो टैक्स को ब्रेक्स करने का सुझाव यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा कुछ कुछ और प्रपोजल दिए गए हैं ताकि इंसॉल्वेंसी कवर हो सके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, इंसॉल्वेंसी कवर फॉर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। एक्सपांसन ऑफ इन्वेस्टर बेस, इसके साथ साथ में स्केल ऑफ मोनेटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक ही इम्पेरेटिव। कुछ कुछ यहाँ पर एक्सपांसन की बात की जा रही है ऑफ इन्वेस्टर बेस्ड, इसके साथ साथ में स्केल ऑफ मोनेटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। टैक्स एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म नीडेड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, अट्रैक्ट इन्वेस्टर को यदि हमें अट्रैक्ट करना है तो टैक्स एफिशिएंट और यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म हमें बनाने की ज़रूरत है। टैक्स ब्रेक्स शुड बी ग्रांटेड ऑन कैपिटल गेंस फॉर दोज इन्वेस्टिंग इन INVITs टू इंथ्यूज रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, अब जो टैक्स भी जो है ब्रेक किया जाएगा वो किस बेस पर किया जाएगा वो बात यहाँ पर बताई गई है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैपिटल गेंस को। INVITs शुड बी इंक्लूडेड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये जो प्रोसेस है हम बात कर रहे हैं, ये जो योजना की प्लानिंग कर रहे हैं, इसको हमें कहाँ पर शामिल करना है, इसमें भी शामिल कर इंक्लूड करना है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। प्रोवाइडिंग एन इंसॉल्वेंसी ऑप्शन विल गिव एडेड कंफर्ट टू इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें, इसके कुछ कुछ पॉइंट है इसको भी हम देख लेंगे। गेल, NHAI एक्सपेक्टेड टू अनेबल
INVTS टू मोनेटाइज गैस पाइपलाइन हाईवे एसेट सून। INVTs यहाँ पर बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया रसिया रिलेशनशिप से रिलेटेड। इंडिया और रसिया टू एक्सपांड सेंट्रल एशिया टाइज, ऐसा कहना है एनवोए का। ठीक है, द टू कंट्री विल इंक डील ऑन लॉजिस्टिक नवल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग रशियन डिफेंस मिनिस्टर विजिट। कौन कौन से मेन मुद्दे रहेंगे जब ये जो है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर विजिट करेंगे, तो पहली बात है लॉजिस्टिक्स, ठीक है, इसके अलावा नवल कोऑर्डिनेशन। जो लॉजिस्टिक है हमारा, जिसका मतलब होता है जो सामान की आवाजाही होती है ना एक जगह से दूसरी जगह में, उससे रिलेटेड रहता है ये। तो एक तो उससे रिलेटेड काम, और दूसरा जो काम है वो है नवल कोऑर्डिनेशन। ये दो चीज़ हमको देखने को मिलेंगी, दो मेन बातें रहेंगी। इंडिया एंड रशिया आर एक्सपेक्टिंग टू कंक्लूड द बायलेटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। एक बायलेटरल द्विपक्षीय लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो सकता है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, रिलोस एंड ए नेवी टू नेवी कोऑपरेशन होना चाहिए। इसके लिए एक मेमोरेंडम है MOU व्हेन रशियन डिफेंस मिनिस्टर जनरल सेरगेई शिगोव विजिट इंडिया लेटर दिस ईयर। जब वो यहाँ पर आएंगे तो दो प्रमुख मुद्दे हमें उठाना है। द टू साइड आर ऑल्सो लुकिंग एट एक्सपांडिंग कोऑपरेशन इन सेंट्रल एशिया। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर भी कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि बायलेटरल एक्सरसाइज की सप्लीमेंटिंग होगी विद ट्राईलेटरल एंड मल्टीलेटरल वंस की सहायता से। इंडियन एनवॉय इन रसिया, हमारे रसिया में जो राजदूत हैं उन्होंने ये बात कही है। तो केवल हम बायलेटरल की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं इस काम में। ऑन द डील फॉर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, द एनवॉय इन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टू द हिंदू, उन्होंने ये कहा, देयर आर स्पेसिफिक डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन दैट लेड इंडिया टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ S-400 सिस्टम। ऑल आई कैन से इज दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड, वी विल डू वाट वी हैव टू डू एंड नेसेसरी फॉर इंडिया टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने इसके बारे में ये बात कही थी कि क्या हो सकता है, कब हम ले सकते हैं। बोथ कंट्रीज आर शेड्यूल्ड टू होल्ड द माइडेन 2+2 मिनिस्टर डायलॉग ड्यूरिंग द विजिट ऑफ जनरल सिगोई। ऑन द समिट मीटिंग ही सेड दैट डेट्स वर येट टू बी फिक्स्ड बट वॉज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस टुआर्ड द एंड ऑफ दिस ईयर सब्जेक्ट टू कोरोना सिचुएशन।